नमस्कार, स्पोर्ट्स लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आईपीएल 9 में सोमवार को किंग्स इलेवन पंजाब की टीम एक और मैच हार गई। इस बार उसे रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने एक रन से हरा दिया। ये मैच मोहाली में सोमवार को खेला गया। होम ग्राउंड पर मैच होने की वजह से इस मैच को देखने के लिए टीम की ओनर प्रीति जिंटा भी स्टेडियम में मौजूद थी। वैसे वे अक्सर अपनी टीम को चेयर करने के लिए स्टेडियम पहुंचती हैं। इस बार उनके साथ उनके पति जीन गुड इनफ और उनकी मां मौजूद थी। इस दौरान उन्हें कई एक्टिविटीज करते हुए देखा गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने साफ किया है कि उनकी आईपीएल टीम के स्टार ओपनर क्रिस गेल को आराम नहीं दिया गया था, बल्कि उन्हें टीम से बाहर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक कोहली सरफराज के मोटापे और फिटनेस प्रॉब्लम से भी नाराज हैं, इसलिए उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से अफेयर के सवाल पर देश की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा भड़क गई। ज्वाला ने कहा, यह अफवाह है और आप लोग बार बार ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं। मैं कई बार इस मामले में सफाई दे चुकी हूं, लेकिन ये सवाल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने कहा, यह अफवाह है और आप लोग बार बार ऐसे सवाल मत पूछिए। आईपीएल 2016 की सफलतम टीमों में शुमार गुजरात लायंस के कप्तान और लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ी सुरेश रैना फिलहाल आईपीएल छोड़कर नीदरलैंड चले गए हैं। दरअसल रैना की पत्नी गर्भवती है, इसलिए वह कुछ समय अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी रहे रैना ने अब तक आईपीएल का एक भी मैच नहीं छोड़ा है। भारतीय ओलंपिक संघ ने रियो ओलंपिक के लिए भारतीय दल का गुडविल एम्बेसडर बनाने को ऑस्कर विजेता संगीतकार यार रहमान से अब तक कोई संपर्क नहीं किया है। यह जानकारी रहमान ने सोमवार को स्वयं दी। ऐसी खबरें थी कि सलमान खान को भारतीय दल का गुडविल एम्बेसडर बनाने के कारण आलोचना झेल रहे। आईओए ने इस भूमिका के लिए सचिन तेंदुलकर और रहमान से भी संपर्क किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश।